सुनो सांद्रा प्लीज, बेसिकली क्या करने वाले हैं, क्या इसको हम लोग, क्या इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम बोल सकते हैं क्या? यस वी कैन से दिस इज अ सिंपल पेंडुलम. अब सिंपल पेंडुलम है, इसको एज अ बॉब एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, एंड हिंज्ड पॉइंट वो ऊपर में है, उसके अबाउट ये SHM कर रहा है. बट बॉब एक्चुअली एक छोटा सा पार्टिकल होता था, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा. ये मैंने एक बॉटल ले लिया, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, लेट मार्क इट, और इसमें हमने लिक्विड फिल कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास आपका कहीं यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज द सेंटर ऑफ मास, राइट? नाउ कुछ मैं मीन, अभी मीन पोजिशन है, राइट? नो डिस्टर्बेंस देयर, नेट फोर्स इज जीरो, सो दिस इज द मीन पोजिशन. अब मीन पोजिशन से मैं एक्स डिस्प्लेस करके इसको छोड़ दे रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? जितना मैंने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया वही होगा इसका मीन एम्पलीट्यूड. दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे आकर के बॉडी भी लाल रुका हुआ है. स्टॉप वॉच निकालो और टाइम पीरियड काउंट करना और नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी काउंट करना. एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगा? देखो जब मीन पोजीशन से ऐसे एक बार आया, फिर यहाँ आया, अभी हो गया क्या 1 पीरियड? नहीं. फिर जब इधर जाएगा, फिर वापस जब मीन पोजीशन, देन नाउ इट इज अ कंप्लीट 1 टाइम पीरियड. तो स्टॉप वॉच में ये वाला काउंट करना है, यहाँ से जैसे मैं अभी यहाँ पे छोड़ूंगा, यहाँ पे आएगा, फिर वापस ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, वो 1 टाइम पीरियड होगा, क्योंकि ऐसे मैं चला रहा हूँ ना, ठीक है? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास ऊपर में बीच पे लाई कर रहा है. फिर एक्सपेरिमेंट करूंगा, इसमें से वाटर निकाल करके इसका देखना नीचे की तरफ वाटर, हाँ, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा नीचे की तरफ, तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? सेम डिस्प्लेसमेंट में करूंगा, एम्पलीट्यूड सेम रख करके, ठीक है? चलो देखो, चलो नाउ स्टॉप. 10 सेकेंड आया और कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए? 4 ऑसिलेशन, 10 नोट कर लो कहीं पे, अप्रोक्सीमेट था. दिस वॉज नॉट अ नेचुरल ऑसिलेशन बिकॉज देर इज सम डैम्पिंग, एयर रेजिस्टेंस है. इसलिए देखा आपने कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा था ना, ये एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट नहीं था, हाँ लगातार इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा था, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रही, दिस वॉज अ डैम्पिंग ऑसिलेशन. बट इग्नोर कर रहे हैं अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे. अब मैं क्या करूंगा, वाटर पानी से निकाल लेता हूँ. चलो है क्या कोई बॉटल? बॉटल एक खाली लेके आइएगा. इतनी प्यास नहीं लगी भाई. चलो तो टाइम पीरियड अपने नोट करके रख लिया. सेम 4 ऑसिलेशन होगा, फिर टाइम पीरियड नोट करना, देखना क्या लग रहा है, टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? यस, सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा तो एल इफेक्टिव बढ़ जाएगा. एल इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, स्क्वायर रूट ऑफ एल, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. यानी कि ये अब पहले 10 सेकेंड लग रहा था 4 ऑसिलेशन के लिए, तो अब 10 सेकेंड से ज्यादा लगेगा 4 ऑसिलेशन के लिए. अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर आपने टाइम पीरियड निकाल लिया तो क्या आप इसका ओमेगा निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं. क्या आप ये स्ट्रिंग लेंथ निकाल सकते हैं क्या, कितना लेंथ है? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा करके, t = 2.2√L/g करके. खाली हुआ? चलो किधर गैस का टक्कर, ये रहा. ओके फाइनली चले, अब इसका सेंटर ऑफ मास अप्रोक्सीमेटली, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर लेते हैं. ये रहा सेंटर ऑफ मास, ठीक है? ठीक है, नहीं दिख रहा है, ये आ गया सेंटर ऑफ मास. अब एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा? ये ऊपर से हिंज पॉइंट, ऊपर से ये नहीं, कुछ लोग यहां से लेंगे लेंथ, एल इफेक्टिव ऊपर हिंज पॉइंट से होगा, ठीक है? अब 4 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड काउंट करना अच्छे से. सेम एम्पलीट्यूड तो थोड़ा बहुत हो सकता है वेरी करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट स्केल लेकर के हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं. कितना एक्सपेरिमेंट मैं भूल गया कि कितना डिस्प्लेस किया था, ठीक है? तो लेकिन एक रफ एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं हम लोग. चलो सेम एम्पलीट्यूड लगभग देकर मैं छोड़ रहा हूं और 4 ऑसिलेशन होगा, टाइम स्टार्ट कर देना. क्या एम्पलीट्यूड सेम है क्या? पहले इतना एम्पलीट्यूड था, थोड़ा सा और था, ठीक है? चलो ओके करो, 4 ऑसिलेशन काउंट करना. स्टॉप कितना है?